सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे बंदे की जो मेरे सर्वर में तब आया था जब मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। तो मैं दूसरे चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, तो वहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं माइनक्राफ्ट की। तो ये बंदा आता है, उसने मुझे पूछा कहाँ क्या है, सीड क्या है चैनल का, एंड मतलब मेरे सर्वर का सब कुछ पूछा। और उसने मुझे बोला कि मैं आता हूँ, मैं बोला ओके कम। तो वो आया, वो हमारे साथ खेलता था, काफ़ी दिन तक खेला। वो जस्ट कुछ नहीं करता था, जस्ट वर्ल्ड में इधर उधर घूमता रहता था, चिल आउट मारता रहता था। मुझे लगता है कि घर वाले उसको ज़्यादा कुछ खेलने को नहीं देते थे, लाइक बाहर वगैरह नहीं जाता था, पीसी वगैरह था उसके पास, उसी पे खेलता था। थोड़ी देर बाद मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे जाने लगा उसको मैं, और वो बस मेरे वर्ल्ड में आता था, घूमता रहता था। उसने कोई घर नहीं बनाया था, उसने कोई पेट्स नहीं बनाए थे, कोई फ्रेंड नहीं था, वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करता था, जस्ट आता था पेट्स के साथ खेलता। उसको इतना भी नहीं पता था कि कैसे फ्रेंड बनाते किसी चीज़ को, वो उनको मार देता था ज़बरदस्ती के लिए। बस वो यही घूमता फिरता रहता था, कुछ करता था नहीं खासकर। बट मुझे पता चला कि माइनक्राफ्ट में कुछ ईविल चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, जो मतलब कुछ गलत हो सकता है माइनक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा कुछ। तो ये लोग क्या करता, मतलब ये कुछ नहीं करता, इसको फेवरेट चीज़ इसकी मतलब फूल तोड़ना, फूल जमा करना, और एक गार्डन था उसमें फूल लगाते रहता था सारे, ठीक है। और एक फूल मतलब कोई भी हर तरीके से हर बार फूल लेके आता था और लगाता रहता था। और बाकी इसका फेवरेट चीज़ था एप्पल, एप्पल दे दो इसको, ये बंदा खुश है। तो मैं इसके लिए हमेशा एप्पल जमा करता, उसको दे दिया करता था कि ये खुश हो जाता था, बच्चा छोटा भी 9-10 साल का हुआ करता था। तो एक दिन एक पेड़ इसने कट आउट किया जिसके नीचे इसको एक क्रेट मिलता है, ठीक है। और आई डोंट थिंक इसको वो करना चाहिए था, मुझे बाद में बताया था कि भैया मुझे एक पेड़ मिला, उसके नीचे एक क्रेट मिला, उसमें कुछ तो भी कर्स चीज थी, बोले टोटम ऑफ कर्स था शायद। मुझे लगता है उसको नहीं करना चाहिए था ये, क्योंकि ये बहुत गलत हो गया। आई थिंक ये सच में बहुत गलत हो गया। तो टोटम ऑफ कर्स उसके पास था, उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको लेकर घूमता रहता था और बस इधर उधर घूम रहा था। एक दिन ऐसे पहाड़ चढ़ा कुछ पत्थर वत्थर जमा करने के लिए, और चढ़ा और पता नहीं क्या हुआ उसको, अचानक से क्या सूझा क्या नहीं सूझा, इतना ऊपर चढ़ा और फिर वहां से वो कूद गया, और वो कूद के फिर मर गया, पता नहीं। अब उसी दिन मुझे पता चलता है इंस्टाग्राम पे कि उसकी पोस्ट डाली, उसके पेरेंट्स ने डाली शायद, कि वो उसकी डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में। अब पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, बट उस दिन के बाद मुझे सर्वर काफ़ी अजीब लगने लगा, मतलब बहुत स्पूकी, बहुत मतलब स्केरी हंटेड टाइप, मतलब मैं कुछ काम ढंग से नहीं कर पाया। ऐसा लगता था कि वो है अभी भी सर्वर में, मैं इस बात को वही नहीं कर सकता था कि वो इतना छोटा इतना यंग बच्चा, इसकी डेथ कैसे हो गई। तो एक दिन जस्ट मैं अपनी एक्सपी कलेक्ट करने को जा रहा था रात को, कि एन्चेंटमेंट के लिए एक्सपी लगती है काफ़ी सारी, तो मैं बस उसके लिए जा रहा था कि मतलब बड़े से एक्सपी कलेक्ट करता हूँ, एन्चेंटमेंट वगैरह करूँगा। तो मुझे ऐसा लगा पीछे से कोई देख रहा है मुझे, मैं मुड़ा बट वहाँ पर कोई नहीं था, लाइक लिटरली वहाँ पर कोई भी नहीं था यार। बट थोड़ी देर बाद मैं उधर जाके करीब जाके देखता हूँ, वहाँ पर सच में कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई था, वहाँ पर कोई तो भी था, लेकिन वहाँ से वो गायब हो गया। बट सर्वर में कोई भी नहीं है, मेरे सर्वर में कभी नहीं दिखाते कोई है, मतलब सिर्फ मैं ही होता हूँ हमेशा, क्या होता है मेरे दो फ्रेंड होते हैं वो होते हैं। लेकिन ये अजीब है, मतलब कोई जॉम्बी नहीं है, इसका अपना ही दिमाग है, ये कभी मेरे को मारने नहीं आता, खाने नहीं आता, बस ये इधर उधर घूमता रहता है, तो काफ़ी अजीब है। बट पता नहीं क्या है, समथिंग इज हॉन्टिंग ऐसा लग रहा मुझे सर्वर में, ऐसा है यार पता नहीं अब क्या है, माइनक्राफ्ट का कुछ है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। यही है गाइस आज का वीडियो, आई होप कि तुम लोग अच्छा लगे, नया ट्राई किया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।